नमस्कार। और आज हम खड़े हैं लिमिटेड प्रोडक्शन इटालियन हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार के सामने, जिसका नाम है ला फेरारी। 1959 में लॉन्च हुई थी और ये सिक्स जनरेशन आप देख रहे हैं। दो मॉडल्स आते हैं, कूपे जिसकी कीमत है लगभग 22 करोड़ रुपीस, और एपर्टा कन्वर्टेबल जिसकी कीमत है लगभग 33 करोड़ रुपीस। और ये कूपे मॉडल आप देख रहे हैं, कूपे के 500 मॉडल्स और एपर्टा के 210 मॉडल्स बनाए गए थे, जो लॉन्च होने से पहले ही बिक चुके थे। फरारी ने ऑफिशियली प्राइस डिक्लेयर नहीं की ला फरारी की कभी। एपर्टा कन्वर्टेबल का प्राइस तो किसी को भी नहीं पता कस्टमर्स के अलावा, बट ये मैंने जो आपको प्राइजेस बताए हैं ये कस्टमर से ही पता करके बताए हैं। ला फरारी सिर्फ फरारी कलेक्टर्स के लिए ही बनाई गई थी। फ्लेवियो मैनजोनी के अंडर डिजाइन हुई है ला फरारी। और ये हाई परफॉर्मेंस वाइपर्स, 4.7 मीटर लेंथ है, 1.1 मीटर हाइट है, 1585 केजी वेट है। आगे 19 इंच और पीछे 20 इंच के व्हील्स मिलेंगे। पिरेली P0 कोर्सा टायर्स हैं। कार्बन सिरेमिक ब्रेम्बो डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे आगे पीछे। कूपे का प्रोडक्शन 2013 से लेकर 2016 तक हुआ और एपर्टा का प्रोडक्शन 2016 से लेकर 2017 तक हुआ है। और ये कार्बन फाइबर ORVMs। ला फेरारी कूपे 21वीं सदी की ऑक्शन में बिकने वाली सबसे महंगी कार है। इसका लास्ट वर्जन 48 करोड़ में ऑक्शन हुआ था चैरिटी के लिए। एपर्टा वर्जन 68 करोड़ में ऑक्शन हुआ था। पीछे मोटराइज्ड स्पॉइलर मिलेगा, एनकोनेल से हाइड्रोफॉर्म 6x1 एग्जॉस्ट सिस्टम है। अंडरबॉडी कार्बन फाइबर और केवलार के कॉम्बिनेशन से बनी है। 1960s की फरारी 330P4 और 312P से थोड़ा इंस्पायर्ड है डिजाइन ला फरारी का। इटालियन में ला फरारी का मतलब होता है द फरारी। कहने का मतलब यह है कि यह फरारी कंपनी की सबसे बेस्ट कार है। ला फरारी की पुरानी जनरेशन का नाम एंजो फरारी था। 1973 फरारी GT4 के बाद ला फरारी पहली फरारी है जिसमें पिनिनफेरिना की स्टाइलिंग नहीं है, और ये काफ़ी रेयर बात भी है। ला फरारी फरारी की पहली माइल्ड हाइब्रिड कार है। फरारी FXX की टेस्टिंग से बनाए गए फरारी मिले चिली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ला फरारी। कार्बन फाइबर मोनोकॉक स्ट्रक्चर है जो बनाया है फरारी के F1 टेक्निकल डायरेक्टर रॉरी बायर ने। डबल विशबोन सस्पेंशन है आगे और पीछे मल्टीलिंक सस्पेंशन है। F1 कार से इंस्पायर्ड चेसी हैं जो चार टाइप के कार्बन फाइबर से बने हैं। रियर व्हील ड्राइव है ला फेरारी। और ये रेडिएटर्स, और ये हैं हाई इंटेंसिटी बाइजेनॉन हेडलाइट्स DRL के साथ। दो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो अलग अलग तरीके से चार्ज होती हैं, जैसे ABS एक्टिव होने से हार्ड ब्रेकिंग पे, या जब V12 इंजन ज़्यादा टॉर्क देता है जैसे कॉर्नरिंग में। इससे ज़्यादा टॉर्क एनर्जी में कन्वर्ट होकर बैटरी में सेव करी जाती है। मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए एक्टिव एरोडायनेमिक्स हैं जो 21 ला फरारी ऑनबोर्ड कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं। मैग्नेटी मरेली ऑटोमोटिव लाइटिंग ने बनाया है बॉडी कंप्यूटर सिस्टम ला फरारी का। SCME FRS मैग्नेट और हियोलॉजिकल डैम्पिंग है, ट्विन सोलेनॉइड्स L9 ट्यूब के साथ। ला फरारी का 41% वजन आगे है और 59% वजन पीछे है। हर स्पीड और
ड्राइविंग कंडीशन में मैक्सिमम डाउनफोर्स और मिनिमम ड्रैग कोएफिशिएंट को जोड़ती है लाफेरारी, और ये सब होता है लो हाइट और कम विड्थ की वजह से। सेफ्टी के अंदर दो एयरबैग्स, हाई परफॉर्मेंस एबीएस, ईबीडी, ईडिफ 3 थर्ड जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल, ईएससी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और EF1 ट्रैक, F1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। ला फेरारी में फेरारी ने अपनी बेस्ट इंजीनियरिंग, डिज़ाइन नॉलेज और स्कूडेरिया फेरारी F1 की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। हाइकर्स सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि एक तो 6300 सीसी पेट्रोल इंजन है और उसके साथ मैग्नेटी मरेली के दो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, जिसमें एक मेन मोटर है और दूसरी मोटर ऑक्सिलरी सिस्टम्स के लिए यूज़ होती है। दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स की मिला के 163 BHP पावर है। इन मोटर्स से पावर ज़्यादा मिलेगी और पॉल्यूशन कम होगा। इलेक्ट्रिक मोटर्स चलती हैं लिथियम आयन बैटरीज से। एक मोटर कार को चलाने में हेल्प करती है, ड्राइव में, और ब्रेकिंग से काइनेटिक एनर्जी को बैटरी में सेव करती है। दूसरी मोटर इंजन से एनर्जी लेती है और कार के स्टैंडर्ड सिस्टम्स को पावर देती है, जैसे लाइट्स एंड ऑल। डबल इन्वर्टर यूज़ होता है दोनों इलेक्ट्रिक मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए। ला फेरारी के लॉन्च होने से पहले 2011 में ला फेरारी कॉन्सेप्ट मेंटा और ला फेरारी कॉन्सेप्ट टेंसो स्ट्यूचुरा भी लॉन्च किए गए थे फेरारी म्यूजियम में। लॉन्च होने से पहले फेरारी F-150 कोड नेम था ला फेरारी का। आइए फ्रंट का बोनेट खोलकर देखते हैं। यहाँ पे रेडिएटर फैंस हैं और इस ब्लैक एरिया को सामने से आप उठाएंगे तो इसमें नीचे स्पेस दी गई है। और ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं यहाँ पे। आगे थोड़ी बहुत स्पेस दी गई है रेडिएटर के पीछे जो ब्लैक कलर का बॉक्स है उसके अंदर। इसको क्लोज कर देते हैं। आइए फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर खोलकर देखते हैं। तो ये है बटरफ्लाई डोर्स या वर्टिकल डोर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ डोर पे स्पीकर्स हैं और कार्बन फाइबर का काफी यूज हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं और ऐसी दिखती हैं सीट्स। T1000 यूनिडायरेक्शनल टेप और फैब्रिक यूज़ है पैसेंजर्स कंपार्टमेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये हाई एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। फायर एक्सटिंग्विशर है और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। ये बीच में गियर बॉक्स है टनल में। आगे एक पॉकेट दी गई है। पैसेंजर डिस्प्ले मिलेगा। ला फेरारी की बैजिंग है।
ऊपर एक रीडिंग लाइट दी गई है। और ये लिमिटेड एडिशन लाफरारी की बैजिंग, बकेट सीट्स हैं, स्पोर्ट बकेट सीट्स। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोलकर देखते हैं। बटरफ्लाई डोर्स, यहाँ पे बूट खोलने का बटन है, बोनेट खोलने का बटन है, और यहाँ पे भी कंट्रोल्स हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन के। कुछ स्पेसिफिकेशंस, ड्राइवर सीट फिक्स्ड है, पैडल बॉक्स और स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल हैं, तो स्टीयरिंग आगे पीछे हो सकता है, पैडल बॉक्स आगे पीछे हो सकते हैं। ड्राइविंग पोजीशन सिंगल सीटर F1 कार से इंस्पायर्ड होकर बनाई है, फेरारी F1 ड्राइवर्स फेरनांडो अलोंसो और फिलिपी मस्सा के कंसल्टेशन द्वारा। और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, और ये स्टीयरिंग व्हील पेडल शिफ्टर्स के साथ, और ये है 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एलगेंटारा फिनिश, और ये लाइट के कंट्रोल्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, इंडिकेटर के कंट्रोल्स हैं, और ये वाइपर के कंट्रोल्स, और ये ड्राइव मोड्स। और ये पैडल बॉक्स एडजस्टेबल है, आगे पीछे हो जाते हैं। और ये USB का चार्जिंग पोर्ट है, साथ में 12V का चार्जिंग पोर्ट है। और ये है 7-speed डुअल क्लच ट्रांसमिशन लॉन्च कंट्रोल के साथ, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। और ये हैं ऑटोमेटिक AC, साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और ये AC के कंट्रोल्स हैं, साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं। और ये रियर व्यू मिरर, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। चार स्पीकर्स का हार्मन कार्डन म्यूजिक सिस्टम है ला फेरारी में। ये पैसेंजर साइड डिस्प्ले ओपन नहीं हो रहा है अभी भी। और ये ड्राइवर पैसेंजर साइड भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। सुपर लिफ्ट सिस्टम है कार में लिफ्ट करने के लिए। F1 विंड टनल से फाइन ट्यून्ड एरोडायनामिक एफिशिएंसी है ला फेरारी की। शानदार बटरफ्लाई डोर्स, और ये F1 इंस्पायर्ड कॉकपिट, फायर एक्सटिंग्विशर पॉकेट्स, ये ला फेरारी की बैजिंग है।
एयरबैग, और ये है फेरारी F140 6300 सीसी V12 इंजन, 800 PS पावर है, 700 Nm टॉर्क है। एक्स्ट्रा पावर देने के लिए साथ में लगा है हाइब्रिड काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, हाइकर्स की इलेक्ट्रिक मोटर जिनकी है 163 PS पावर और 200 Nm टॉर्क। टोटल ला फेरारी इंजन की है 963 PS पावर और 900 Nm टॉर्क, 0 टू 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ेगी 2.4 सेकंड्स में और 0 टू 300 की स्पीड पकड़ेगी 15 सेकंड्स में। 350 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा की टॉप स्पीड है, 5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज है और 85 लीटर का फ्यूल टैंक है। यही इंजन GT C4 लुस्सो में भी यूज़ होता है। GT और फार्मूला 1 इंजीनियरिंग की सारी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ फरारी ने अपनी इस कार में लगाई हैं। अब तक की फास्टेस्ट रोड कार है ला फरारी। तो कैसी लगी आपको फरारी की ये पहली माइल्ड हाइब्रिड लिमिटेड एडिशन सुपरकार? हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।